कॉस्ट ऑफ यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन अपने गेट में बराबर आते हैं इसे। फिक्स्ड कॉस्ट इट अकर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर नॉट द मशीन इज यूज्ड। इट इंक्लूड्स डेप्रेशिएशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, शेल्टर। ये जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट के अंदर आते हैं। ओके, डेप्रेशिएशन हम किसका करने वाले हैं वो देखेंगे आप। परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रेशिएशन। ओके, एंड इट इज चार्ज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, और वो हम उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉस्ट चार्ज करते हैं ऑपरेशन में, पर आवर हमारे मशीन का ये कॉस्ट है वो उसमें डेप्रेशिएशन इंक्लूडेड रहता है। तो जो डेप्रेशिएशन है, जो हमारी मशीन की परचेज प्राइस और स्क्रैप वैल्यू को डिफरेंस लेकर फाइंड किया जाता है, वो तो हमें निकालना है ना। तो वो कॉस्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी हैव परचेज्ड मशीनरी, सो वी आर नॉट गोइंग टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट मनी बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस मशीनरी। सो वो इंटरेस्ट भी हमें ऑपरेशन में ही चार्ज करके निकालना है। वी चार्ज दैट इंटरेस्ट ऑन फॉर आवर यूज ऑफ दिस मशीनरी। ओके, टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस कराएंगे वो कॉस्ट हमें पड़ेंगे, एंड शेल्टर, ओके, टू प्रोटेक्ट मशीनरी फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। ओके, तो ये सारे कॉस्ट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है। आप मशीन यूज करो या ना करो, ये कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट occurs regardless of whether or not the machine is used. Fixed cost per hour are inversely proportional to the amount of annual use. Later we will see with the help of numerical. Fixed costs per hour are inversely proportional to amount of annual use. Hourly annual use jitna zyada hoga per hour cost मशीनरी की लेस होगी, वही चीज बताया जा रहा है। क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एक फिक्स वैल्यू हो गई, और साल में जितना घंटा हम यूज करेंगे पर आवर जो फिक्स्ड कॉस्ट का चार्ज आएगा वो कम आएगा। तो जितना आवरली एनुअल यूज है उतना ही लेस फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर होगा। पर आवर फिक्स्ड कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवरली एनुअल यूज। ओके, वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फ्यूएल एंड लुब्रिकेंट, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ यूज। मशीनरी की जितनी अमाउंट यूज करेंगे, जितना घंटा यूज करेंगे उतना फ्यूएल लुब्रिकेंट की खपत होगी। क्लियर? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उतना ही ज्यादा उसमें वियर टीयर होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उतना ही ज्यादा होगा। एंड ऑपरेटर वेक्स, ऑपरेटर के भी उतना ही मेहनत आना हमें देना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ यूज, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगा, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट को जो है ना वो तो आपका जो है ना वैल्यू फिक्स्ड ही है, आप यूज करो या ना करो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, दिस इज कॉस्ट ऑफ मशीन ऑनरशिप। आप यूज करोगे तो अपना लगाया हुआ पैसा वापस लोगे, नहीं यूज करोगे तो वो पैसा आपका लॉक्ड है। यू आर नॉट गोइंग टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। यू हैव टू पे टैक्स of that property
In order to protect masonry, you are going to create a shelter. उसमें भी आपका पैसा लगा, क्लियर। लेकिन अगर ये यूज नहीं करेंगे तो इसमें से कोई नहीं लगेगा, ना तेल खर्च होगी, ना लुब्रिकेंट होगी, ना ऑपरेटर का हमें वेग देना पड़ेगा, और ना ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरी है इन जनरल। लेकिन ये यूज करो या ना करो ये लगेगा, इसलिए लिखा गया इट अकर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट मशीन इज यूज्ड। वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ यूज, जब यूज होगा तब ये कॉस्ट आएगी। क्लियर हो गया दोनों कॉस्ट। डेप्रिसिएशन में बिकम अ वेरिएबल कॉस्ट इफ द लाइफ ऑफ मशीन इज डिटरमाइंड बाय वियर आउट क्राइटेरियन नॉट बाय ऑब्सोलेसेंस क्राइटेरियन। लेटर विल सी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी वी हैव टू मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोलेसेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वियरिंग वी डिसाइड लाइफ ऑफ मशीनरी। इफ लाइफ ऑफ मशीन इज डिटरमाइंड बाई वियर आउट क्राइटेरियन नॉट ऑब्सोलेसेंस क्राइटेरियन, डेप्रिसिएशन बिकम्स द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही वियर होंगे, और इस प्रकार डेप्रिसिएशन उसी के अकाउंट चार्ज करना पड़ेगा। बट इन जनरल डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। एंड हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, लेटर विल सी। वी हैव थ्री ब्यूटीफुल मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ओके। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीन विद द पासेज ऑफ टाइम। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन अ शिप। मशीन खरीद कर मालिक बनने का सबसे बड़ा कॉस्ट डेप्रिसिएशन के फॉर्म में देना पड़ता है। तो आखिर ये डेप्रिसिएशन है क्या? हमने पैसा लगाया है, मशीनरी खरीदा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, यूज हो रहा है मशीन, वियर आउट हो रहा है। मार्केट में नए मशीनरी आ गए, नए मॉडल आ गए, ये मशीन हमारा बेकार हो गया, पैसा लगा बेकार हो गया। या फार्म प्रैक्टिसेस चेंज हो गए तो भी वो मशीनरी हमारा काम नहीं आने वाला है। तो फिर जो है ना, जो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, काम नहीं आ रही है कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद, तो हम उस सालों के अंदर ही इस मशीन के कॉस्ट को यूज पर डालेंगे। वी चार्ज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन इट्स यूज। व्हेन यू यूज दिस मशीन वी ऐड दिस डेप्रिसिएशन, ओके। ध्यान में रहना चाहिए आपको। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, वियर आउट, मशीन इज वियरिंग आउट, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट। सो दीज आर टू मेजर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। यूज हो रहा है, वियर आउट हो रही है, तो नया वाला दाम तो उसके पास रहा नहीं, तो भाई वैल्यू उसकी घट रही है ना, तो घट रही है, कल के डेट में हम बेचने जाएंगे तो उतने दाम में नहीं बेचेगा, तो भाई तो उसको निकालो ना, जितना जो ना डेप्रिसिएट हो रही है वैल्यू उसकी, उसका जब यूज हो रहा है तो उससे अर्न करो, उस पर चार्ज करो। मशीनरी को अगर आप दे रहे हो कहीं भाड़े पर आवर चार्ज करो उस पर, क्योंकि हमारी मशीन डे बाय डे पुरान हो रही है यूज की वजह से, वियर आउट हो रही है ड्यू टू यूजेस। तो जितना वैल्यू उसकी वियर आउट हो रही है मनी के फॉर्म में, वो चार्ज करो ऑपरेशन में। कॉस्ट ऑफ यूज, मशीनरी के यूज का कॉस्ट क्या है, एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग। ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट तो जानते ही, एक्सीडेंट होगा तो वैल्यू डाउन होने वाली ही है, तो इसको भी रख लेंगे हम। तो नॉर्मली ये दोनों फैक्टर आएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द डेप्रिसिएशन। इन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू कंसीडर फैक्टर्स इन्वॉल्व। डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में जो जो फैक्टर्स आने वाले हैं उस सबको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू स्पीक बोथ
इंग्लिश एंड हिंदी इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा, ध्यान में रखिएगा। आप ट्राई करिए कि इंग्लिश की तरफ आपका जो है ना जितना ज्यादा इंट्रैक्शन हो उतना ही जल्दी क्वेश्चन को समझेंगे और उतना ही जल्दी आंसर बनाएंगे, स्पीड बढ़ेगी। हिंदी हिंदी मत चिल्लाया करो सब, हिंदी में पेपर होती है गेट की क्या? सो डिप्रेसिएशन के कैलकुलेशन में, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेसिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व आर परचेज प्राइस ऑफ मशीन और हिस्टोरिकल कॉस्ट। डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो मशीन की परचेज प्राइस हमें जाननी पड़ेगी। परचेज प्राइस इज वेरी सिंपल, ऑल द कॉस्ट टू ब्रिंग द मशीन टू मेक इट रेडी फॉर यूज इन द फील्ड ऑपरेशन आर इंक्लूडेड इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मशीन को फील्ड यूज में लाने तक जितनी कॉस्ट आ रही है वो सब हमारा क्या है, परचेज प्राइस और हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएंगे। दिस इज सिंबल पी। परचेजिंग किया और मशीन को फील्ड में पहुंचा दिया, नाउ इट इज रेडी टू ऑपरेट द फील्ड। कॉस्ट जो भी लगा है वो हमारा परचेज प्राइस है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेप्रेसिएशन पर ईयर पर आवर यूज ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज नेसेसरी। लाइफ क्या है मशीन की, सर्विस लाइफ मशीन की क्या है? एंड वी हैव वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ मशीन। इट इज द एस्टिमेटेड पीरियड ओवर विच द सर्विसेज ऑफ मशीन विल बी इंजॉयड। उस मशीन से सर्विस को हम इंजॉय जब तक करें, पेनफुल ना हो तब तक वो टाइमिंग उसका लाइफ आएगा, लाइफ कॉल आएगा। पेनफुल कब होगा? जब ह्यूज रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा, अन इकोनॉमिकल टू रिपेयर द मशीनरी, देन इट इज बेटर टू थ्रो इट इन स्क्रैप। वो परचेज डे से लेकर स्क्रैप तक जाने के बीच का जो टाइमिंग है दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ मशीन। लाइफ कैसे डिसाइड किया जाएगा? वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइफ और टू क्राइटेरिया टू डिफाइन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी, ऑब्सोलेसेंस क्राइटेरियन एंड वियर आउट क्राइटेरियन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोलेसेंस क्राइटेरियन लाइफ इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस लाइफ। ऑन द बेसिस ऑफ वियर आउट क्राइटेरियन लाइफ ऑफ मशीनरी इज कॉल्ड वियर आउट लाइफ। नाउ वी सी ऑब्सोलेसेंस लाइफ, इट इज अ टाइम आफ्टर विच मशीन बिकम्स टू ऑब्सोलीट और आउटडेटेड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड मॉडल और चेंज इन फार्म प्रैक्टिसेस। नई मॉडल आ गई या फार्म प्रैक्टिस चेंज हो गया, मशीन जाएगा स्क्रैप में। तो खरीदने वाले दिन से इस घटना के बीच का टाइम इसका लाइफ कहलाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, इट इज टाइम आफ्टर विच मशीन बिकम्स टू ऑब्सोलीट, बहुत पुराना हो गया और आउटडेटेड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड मॉडल। नए मॉडल के डेवलपमेंट होने से, मार्केट में आ जाने से अब कोई हमारा मशीन भाड़े पर नहीं ले जाएगा और चेंजेस इन फार्म प्रैक्टिसेस, तो उस मशीन का अब यूज ही नहीं हो रहा है, अब दूसरे तरीके से फार्मिंग हो रही है। ठीक है, जीरो टीलेज हो गया, इस समय जो है ना सिंपली जो है ड्रिल करके और सीड्स को जो है ना इंसर्ट किया जाता है। गैप हो गया, मोड प्लाउ गैप हो गया, मोड मोड प्लाउ गैप, डिस्क प्लाउ गैप। तो उस जगह पर अगर न्यू फार्म प्रैक्टिसेस डेवलप हो गया एंड इट इज प्रॉफिटेबल, देन पुराने वाले फार्म प्रैक्टिस में यूज किया हुआ मशीन स्क्रैप में जाएगा। सो दिस मेथड ऑफ डिसाइडिंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी गिव्स ऑब्सोलेसेंस लाइफ।
वी आर आउट लाइफ, इट इज टाइम आफ्टर विच मशीन बिकम्स अनरिपेरेबल और इट बिकम्स अन इकोनॉमिकल टू रिपेयर. आफ्टर यूज ऑफ सर्टेन ईयर्स इट इज अन इकोनॉमिकल टू रिपेयर द मशीन, सो इट इज बेटर टू सेंड इट टू अ स्क्रैप एंड गेट इट्स स्क्रैप वैल्यू. क्लियर? सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मशीन लाइफ. इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन यूज इधर द ऑब्सोलेसेंस लाइफ और वियर आउट लाइफ, विच एवर इज द स्मॉलर. जो छोटा है उसके बाद वो बेकार होने वाला है. दोनों में, दोनों लाइफ में जो छोटा लाइफ है या ये पहले अन इकोनॉमिकल टू रिपेयर हो गया, देन इन दैट केस वी थ्रो इट एज ए स्क्रैप. तो भी मशीन की लाइफ ओवर हो गई. या मार्केट में नए मॉडल आ गए, वियर आउट नहीं हुआ लेकिन मार्केट में नए मॉडल आ गए, तो भी ये मशीन स्क्रैप में जाएगा. सो विच एवर इज ए स्मॉलर इज अ लाइफ ऑफ मशीन. क्लियर? नया मॉडल नहीं आया, वियर आउट हो गया पहले ही, तो भी हमारा अन इकोनॉमिकल टू रिपेयर और टू यूज, देन इसकी लाइफ एंड हो गई. जो छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग लाइफ डिसाइड की जाएगी. थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट डेप्रिसिएशन, सालवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू, रेसिड्यूअल वैल्यू. इट इज द वैल्यू एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज्ड आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ इट्स सर्विस लाइफ. जो स्क्रैप बेचेंगे इन दोनों लाइफ में जो छोटा है उसके बाद, तो कितना मुझे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सालवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिड्यूअल वैल्यू और ट्रेडिंग वैल्यू. गाइस, नाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. हमने कॉजेस देखा, ऑब्सोलेसेंस, वेयर आउट, एक्सीडेंट. एक्सीडेंट तो जो है ना अचानक आ जाएगा, उसको हटा दिया. फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन देखें. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. वी हैव थ्री मेथड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर गेट एग्जामिनेशन टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. अपने गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्री मेथड्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड और SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. सेकेंड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड DBM और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड WDV. एंड थर्ड, सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड. वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन वन बाय वन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स. फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ड्यू टू इट्स यूज. यूज करेंगे तो वियर टियर होगा या ऑब्सोलीट हो गया, तो भी हमें जो है ना उसकी वैल्यू लॉस्ट ही मिलेगी. तो हम जब तक वो स्क्रैप नहीं है तब तक उसका यूज करेंगे और उस यूज में हम इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे. वी चार्ज डेप्रिसिएशन अगेंस्ट रिवेन्यू जनरेशन. जो भी हम रिवेन्यू इस मशीन से जनरेट करेंगे उसमें से ये वैल्यू घटाते जाएंगे. ये प्रॉफिट थोड़ी ना है, लगा हुआ मेरा पैसा है जो निकालना है मुझे. तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड एंड गिव्स अ कॉन्स्टेंट एनुअल डेप्रिसिएशन और
कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड, पूछा जाएगा सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन SLM, मोस्ट कॉमनली यूज्ड SLM, एंड कॉन्स्टेंट एनुअल डेप्रिसिएशन मेथड. ओके डियर स्टूडेंट्स, परचेज प्राइस दैट इज टू ब्रिंग द मशीनरी इन फील्ड ऑपरेशन इज पी. दिस इज द कॉस्ट टू ब्रिंग द मशीनरी इन द फील्ड एंड मेक इट रेडी फॉर ऑपरेशन. दिस इज परचेज प्राइस और हिस्टोरिकल कॉस्ट. एंड आफ्टर एन ईयर्स वी आर गेटिंग एस अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू. तो एल ईयर्स इज इट्स सर्विस लाइफ. वी विल ऑपरेट दिस मशीनरी फॉर एल ईयर्स एंड वी ट्राई टू चार्ज दिस टोटल डेप्रिसिएशन. दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन इन एल ईयर्स, बिकॉज इतना में खरीदे थे इतना में बेचे, तो एल ईयर्स में मेरा वैल्यू लॉस कितना हुआ, पी माइनस एस डिवाइडेड बाई एल. दिस इज एनुअल डिप्रेशिएशन डिवाइडेड बाई एच. एच इज एनुअल आवर्स ऑफ मशीन यूज. तो ये क्या आ जाएगा, डिप्रेशिएशन पर आवर. जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही डिप्रेशिएशन कम होगी. यानी कि हम चार्ज इस जब करेंगे पर आवर इस मशीन को यूज करेंगे तो उस पर डिप्रेशिएशन वैल्यू हम ऐड करेंगे वो कम होगा क्योंकि हमारा मशीन ज्यादा इस्तेमाल होता है साल में. गाइस, सो दिस इज आवरली डिप्रेशिएशन डी रुपीज पर आवर. आवरली डेप्रिसिएशन, साल में अगर एक घंटा यूज करते हैं तो इतना रुपया तो हम कहेंगे हमारा लागत है. और आया कितना, पी माइनस एस अपॉन एल इंटू एच. इफ यू ट्राई टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन विद कॉन्सेप्ट इट इज वेरी इजी. एंड इफ यू ट्राई टू रिमेंबर विद ट्रिक, आई हैव ट्रिक ऑल्सो. दिलवाले मूवी देखे होंगे आप लोग, अजय देवगन, सुनील सेठी, रवीना टंडन, ठीक है, रवि इसका भी नाम लिख देते. जब अजय देवगन पागल हो गया था तो सुनील सेठी जो था उसको मदद किया था इधर जो है ना मनाने में. मामा ठाकुर के जो षड्यंत्र थे उसको ओपन करने में सुनील सेठी ने अजय देवगन को हेल्प किया है. ससुर पागल हो गया था प्यार में, ससुर को कोई काम नहीं था. तो ये क्या था, दिलवाले था. ये क्या था, पुलिस वाला था. दिलवाले पुलिस लाया है रवीना टंडन से मिलने के लिए. तो ये थोड़ा जोक भी हो गया, इसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा दिन तक याद रहेगा. डी पी एस एल एच पर आवर यूज में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेथड. आवरली डेप्रिसिएशन रुपीज पर आवर, परचेज प्राइस माइनस सालवेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर एंड वर्किंग आवर्स पर ईयर. एच क्या है, पर ईयर कितना घंटा इस्तेमाल करते हैं इस मशीन को, 200 300 इतना ही घंटा इस्तेमाल होता है, ज्यादा नहीं, कंबाइन हार्वेस्टर कुछ भी हो. रेट ऑफ डिप्रेशिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, गाइस एनुअल डेप्रिसिएशन चाहे वो पर आवर हो या ईयरली हो वो कांस्टेंट है आपका. एक घंटा का हम यूज पूरे सर्विस लाइफ में करते हैं तो इतना जो ना डेप्रिसिएशन चार्ज करते, वी चार्ज डेप्रिसिएशन पर आवर थ्रू आउट इट्स सर्विस लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप इन विच पी इज कांस्टेंट, एस इज कांस्टेंट, सर्विस लाइफ इज कांस्टेंट एंड सपोज वर्किंग आवर्स पर ईयर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो दिस इज कॉन्स्टेंट, क्लियर.
यही है कॉन्स्टेंट, अगर मैं इसको हटा दू तो दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन, अगर एच से मल्टीप्लाई दिस इज एनुअल आवरली डेप्रिसिएशन और सिंपली आवरली डेप्रिसिएशन। तो ये कॉन्स्टेंट होता है एसएलएम के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉन्स्टेंट एज पर एसएलएम मेथड, बिकॉज पी एस एल एच ऑल आर कॉन्स्टेंट, सो दिस विल गिव कॉन्स्टेंट डेप्रिसिएशन। इट्स फाइन ना? सो एनुअल डेप्रिसिएशन पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन सर्विस लाइफ और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। पर ईयर हम इतनी वैल्यू निकालेंगे, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज कॉन्स्टेंट, सो दिस विल गिव कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वी चार्ज दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज पी माइनस एस अपॉन एल, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वी चार्ज सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द यूज ऑफ दिस मशीन, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वी चार्ज सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर वी चार्ज सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एट द एंड ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीनरी वी चार्ज सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो गाइज हियर एनुअल डेप्रिसिएशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस इज कॉन्स्टेंट। हर साल की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है ना वो कॉन्स्टेंट रहेगी। नाउ वी डिफाइन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन पी माइनस एस अपॉन एल टोटल परचेज प्राइस इंटू 100। एक साल की डेप्रिसिएशन टोटल परचेज प्राइस का कितना, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना करेंगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। एक साल का डेप्रिसिएशन ये है, तो परचेज प्राइस का हमने कितना चार्ज किया परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एनुअल डेप्रिसिएशन बोथ आर कॉन्स्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, सो इट इज सिंपलेस्ट। एक बार हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, नोट कर लिया, और हर साल उतना मुझे इसकी वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है डेप्रिसिएशन के नाम से, वो इसके यूज में मुझे उसको प्रॉफिट नहीं समझना है। फार्मर हैज परचेज मोल्डबल प्लाउ विद द फॉलोइंग डिटेल्स, परचेज प्राइस 20,000 रुपीज, सालवेज और स्क्रैप वैल्यू 5,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years, वर्किंग आवर्स 200 hours पर ईयर, वर्किंग आवर्स। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। इट्स वेरी सिंपल ना? टोटल डेप्रिसिएशन परचेज माइनस सालवेज, डेप्रिसिएशन पर ईयर, टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 3,000 रुपीज पर ईयर। हमारे इस एमबी प्लाउ का डेप्रिसिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो अपने घर से नहीं लगाएंगे, अगर हम अच्छा इंजीनियर होंगे तो हम इसके इस्तेमाल पर डालेंगे कि भाई हमारा 3,000 तो ये डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए जो इसकी वैल्यू में रिडक्शन हुई है। आवरली डेप्रिसिएशन, साल में हम 200 घंटा यूज करते थे, इसी 200 घंटा में 3,000 निकालोगे, तो पर आवर जब मशीन यूज होगी तो हम कितना डेप्रिसिएशन के रूप में डालेंगे, फॉर्म में डालेंगे, वी चार्ज 15 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू और इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन पर आवर ऑफ इट्स यूज। ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन 3,000 अपॉन परचेज प्राइस ऑफ द मशीन 20,000 इंटू 100, दिस इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। टेबल में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, जब ने बाय किया उस समय 20,000 था, एंड वी हैव टू कलेक्ट 3,000 फ्रॉम इट्स यूज पर ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी डेप्रिसिएट हो रही है, 3,000, तो हम 3,000 तो कलेक्ट करेंगे, हमने कलेक्ट कर लिया। अब मशीन की कॉस्ट कितनी बची,
17,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बुक वैल्यू और डिक्लाइंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, क्योंकि जब 200 घंटा इस्तेमाल हुआ होगा पहली साल तो पर घंटा जो है ना हम 15 रुपया चार्ज करके 3,000 रुपया निकाल चुके हैं, ये डिप्रेसिएशन था इसलिए निकाला गया था इसको। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, सो वी चार्ज दिस वैल्यू ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। पूरे साल में 3,000 निकालना है और साल में 200 घंटे इस्तेमाल हो रही है इसलिए पर आवर 15 रुपया निकालना है। हमने कलेक्ट कर लिया, देन कॉस्ट इसकी कितनी हुई 17,000। ओके, सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 17,000। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कॉस्ट कितनी बची 17,000, 3,000 हमने उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था और इसके यूज में वो हमने निकाल लिया है, अर्न कर लिया है। ओके, सो 17,000 गाइज, वी चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू SLM, सो 3,000 फिर चार्ज करेंगे हम, यानी कि 3,000 इसके ऑपरेशन में सेकेंड ईयर में इस्तेमाल होगा तो हम निकालेंगे। सो बुक वैल्यू और डिक्लाइन बैलेंस वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 14,000 और द वैल्यू ऑफ इम्प्लीमेंट मशीनरी एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर इज सेम वैल्यू। स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड ऑफ दिसंबर होता है एंड ऑफ किसी ईयर 31st, और 1st जनवरी क्या होता है स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो बात दोनों बराबर है ना। 31st दिसंबर को जो कॉस्ट होगी मशीनरी की 1st जनवरी नेक्स्ट ईयर वही होगी ना, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज थर्ड ईयर दिस इज द वैल्यू सेम वैल्यू। गाइस डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ SLM इज 3,000, दिस इज द कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर दिस इज द कॉस्ट 8,000, 5,000। ओके, okay, we have completed service life. Now it is uneconomical to use this machinery. So guys, we will get 5,000 as scrap value. 5,000 rupees हम scrap के रूप में निकालेंगे. Done. So first year we have charged 3,000. In the form of depreciation, second year, same value, third year, same value, fourth year, same value, fifth year, same value. So guys, amount of depreciation per year or annual depreciation remains constant on the basis of SLM throughout the estimated life of the machinery. Machine ke pure life mein depreciation jo annual charge karte, annual depreciation, wo same hai, rate of depreciation is also same. Rate of depreciation kitna hai? 15% हर साल मुझे चार्ज करनी है, मतलब 3,000 आता है परचेज प्राइस का, 3,000 रुपया हर साल निकालनी है। डिप्रेसिएशन इन रुपीज पर ईयर इज 3,000 और हमने ये डिप्रेसिएशन है और इतना हम उसके यूज में निकालेंगे। सो फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन सी दैट द नेट रेसिड्यूअल वैल्यू आफ्टर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लाउ दैट इज 5 years comes to ₹5,000 which is equal to salvage value. Jo decline balance hai, declining balance or book value at the end of service life of this machinery which we will get in the form of scrap value. Jo scrap value ke roop mein service life ke end par milne wala hai wo 5,000 hai. Wo milega aapko. So the basic objective here is to depreciate the machine to such an amount which can be realized by selling of the asset or as a scrap value after the end of estimated useful life. Clear? Advantages of straight line method of depreciation. This is the simplest method of depreciation out of all other methods. So there is no requirement to calculate the amount of depreciation every year. But for remaining two methods which are important for GATE examination, we calculate depreciation every year, every year, every year. Because sab year ke value different honge, depreciation amount. This method has capability to reduce the book value of asset to zero if it is required. Zero bhi bana sakte hain. Iske
अगर हमें पूरी तरह से जीरो स्क्रैप वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो गाइस दिस इज परचेज प्राइस माइनस दिस इज स्क्रैप वैल्यू जीरो एंड दिस इज एल। सो दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन, जीरो बन गया पी अपॉन एल। एक साल में जितनी वैल्यू आएगी इतना हमें चार्ज करना है, वेरी सिंपल। टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीनरी अप टू दिस वैल्यू, डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। इसका डिसएडवांटेज देखिए क्या है, डियर फ्रेंड्स, एज वी नो रिपेयर कॉस्ट इंक्रीजेस एज टाइम पासेस बिकॉज मशीन इज बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर डे बाई डे। मशीन क्या हो रहा है, ओल्ड होते चला जा रहा है, तो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। एंड वेन इट बिकम्स अन इकोनॉमिकल टू रिपेयर वी थ्रो मशीन इन स्क्रैप। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट डे बाय डे ऑपरेशन होने से इंक्रीज होते चला जाता है, नए में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की लेस रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे सर्विस लाइफ के तरफ जाएगा, सपोज करो 15 साल ट्रैक्टर की लाइफ है, तो 10वां साल, 11वां साल, 12वां साल, 13वें साल, 14वें साल, 15वें साल में ज्यादा हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और वही ना होता है, जब रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होने लगे तो यार फेंको, प्रॉफिट नहीं हो रहा है इससे, तो वो उसकी सर्विस लाइफ होती है वो पॉइंट। सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस एज टाइम पासेस बट वी आर चार्जिंग कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द सर्विस लाइफ। दिस इज डेप्रिसिएशन, कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट बिकॉज डेप्रिसिएट हो रही है तो हमारा ये कॉस्ट हुआ जो हम चार्ज करेंगे ऑपरेशन में। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दिस इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू इट्स ऑपरेशन। एज टाइम पासेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी इंक्रीजिंग। सो गाइज डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर कॉस्ट इंक्रीजेस एज टाइम पासेस, बट वी आर गेटिंग सपोज कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। सो दैट रिवेन्यू माइनस दिस कॉस्ट इज बेसिक लेवल प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी डिक्रीजिंग, प्रॉफिट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट सुटेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी बिजनेस। प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इन द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हाउ एवर इन केस ऑफ सम असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी द रिपेयरिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर एज असेट्स वियर आउट ड्यू टू यूज एंड पासेज ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट द टोटल चार्ज अगेंस्ट रिवेन्यू जनरेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सपोज रिवेन्यू जनरेशन कॉन्स्टेंट वैल्यू की हो रही है और ये हमारा लागत है डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस रिपेयर कॉस्ट बेसिक लेवल पर, तो रिवेन्यू जनरेट जो हुआ उसमें से डिडक्ट करेंगे ना, तो वो हमारा जो है ना प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। हेंस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर मोर वियरिंग असेट्स लाइक मोटर प्लांट मशीनरी। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इन दिस मेथड डेप्रेसिएशन इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर। हाउएवर इन द सब्सिक्वेंट ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द सेम फिक्स्ड परसेंटेज नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट बट ऑन द रेसिडुअल वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू और डिक्लाइनिंग वैल्यू विच रिड्यूसेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द
एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ ऑफ असेट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉन्स्टेंट बट इट इज चार्ज्ड ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर विच इज रिड्यूसिंग। देखा था ना कॉस्ट उसकी, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते कॉस्ट घटती जाती है, तो घटती जाती है उस पर चार्ज करना है विथ कॉन्स्टेंट रेट। इन स्ट्रेट लाइन मेथड we have seen rate of depreciation and the amount of depreciation per year are same, because we charge depreciation according to SLM on original purchase price, original purchase price minus salvage values upon working life. So wo hamara constant tha, yahan rate keval constant rahega, but this rate of depreciation is charged on written down value, residual value, book value, declining balance, reducing balance. So this is declining balance method, reducing balance method, written down value method, reducing balance method. So clear. Now we calculate declined balance at the end of any particular year, or book value, or reduced balance at the end of year. It's very simple. आगे देखते हैं, यहां से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो जब हम कैलकुलेट करेंगे उससे समझ में आ जाएगी। P परचेज प्राइस ऑफ मशीन, D ईयरली डेप्रिसिएशन, DB डिक्लाइंड बैलेंस और रिटन डाउन वैल्यू, S salvage value, R rate of yearly depreciation, L expected useful life in any particular year within its service life, DN depreciation of any particular, that is nth year, DBN declining balance at the end of nth year. आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। Dear students, depreciation on the basis of declining balance method for the first year is represented by D1. Okay, depreciation, yearly depreciation. किसी particular year का ये depreciation है, first year का है ये, first year का depreciation है। कैसे? We charge on its purchase price. P is the purchase price and R is the rate of depreciation. Now guys, this is depreciation, this is reduction in the value of machinery, this is reduction in the value of machinery. So we charge this value on revenue generation. उस साल ये मशीन यूज हुआ होगा, जितना रिवेन्यू जनरेट हुआ होगा उसमें से इसको निकालेंगे, जो बचेगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट ईयर हमने इतना, हमारा डिप्रेसिएशन इतनी होती है उस मशीनरी की, और हमने इसको चार्ज कर दिया है जब ये इस्तेमाल हो रहा था। वी हैव ऑलरेडी चार्ज्ड दिस वैल्यू ड्यूरिंग इट्स यूज। ओके, मैंने इसको चार्ज कर दिया है, तो बचा हुआ अब कितना अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस at the end of first year, reducing balance at the end of first year. क्या हो जाएगा friends? Purchase price minus D1. Purchase price minus D1. This is reducing balance. इतनी value अभी बची है उस मशीनरी के साथ at the end of first year. After utilization of first year, this is the value of machinery. This is called reducing balance, declining balance, written down value. Now for the second year, this is the amount of depreciation which is charged on this written down value or declining balance or reducing balance with same rate of depreciation. Rate same रखेंगे but charge करेंगे reducing balance पर।
So this is called reducing balance method. Similarly, guys, we can find depreciation for the third year, which we will collect from revenue generation. अब किस पर चार्ज करेंगे? अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ सेकेंड ईयर रिटर्न डाउन और रिड्यूसिंग बैलेंस कितना हुआ, वो कैलकुलेट करेंगे ना. तो अभी ये उसकी वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी, पी माइनस डी वन वैल्यू थी उसकी आफ्टर यूज ऑफ फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर यूज हुआ तो इतनी हमने उसमें से निकाल लिया क्योंकि डिप्रेसिएशन हुआ था एंड ऑलरेडी वी हैव कलेक्टेड दिस डिप्रेसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर ड्यूरिंग इट्स यूज, इतना हमने कलेक्ट कर चुका है. इस पर बचे वाले पर हमको लगाना है आर. तो इसी तरह लगाते जाओगे ना, डी वन पी इंटू आर. सो डिक्लाइनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर डिप्रेसिएशन कितना हुआ था, परचेज प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करो परचेज प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो ये बचा डिक्लाइनिंग बैलेंस, यानी इतनी वैल्यू बची ट्रैक्टर की, मशीनरी की. सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन दिस डिक्लाइनिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर विथ सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. उसी पर चार्ज किया ना, जो वैल्यू बच गई है उस पर चार्ज करेंगे. सेकेंड ईयर डिक्लाइनिंग बैलेंस क्या हो जाएगी, हमने जस्ट हुआ किया था ना, ये उसकी प्राइस थी फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन निकालने के बाद. सेकेंड ईयर वैल्यू इतनी लूज हुई तो इतने में से इतने को सब्सट्रैक्ट किया है, किया है देखो, पी इंटू वन माइनस आर माइनस दिस, ये ए आया. इसी तरह जब आगे बढ़ोगे सो वी कैन कैलकुलेट डीवीएन डिक्लाइनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ एनथ ईयर, पी इंटू वन माइनस आर रेस्ट टू द पावर एन. सेकेंड ईयर का है तो एनथ ईयर का हो गया. Dear students, suppose L is estimated life of this machinery. So, declining balance at the end of its expected service life can be written like this. 1 minus R raised to the power L. Declining balance at the end of its expected service life is nothing but salvage value. Service life khatam, to jo bacha iske paas value, wo salvage value ke form mein jayega. Dear students, S upon P raised to the power 1 upon L is equal to 1 minus R. So rate of depreciation according to declining balance method is very easy. 1 minus S upon P raised to the power 1 upon L. Isko yaad karo ya simply isko yaad karo. It is better to remember this expression. Declining balance at the end of any particular year, that is nth year, the end of nth year, P into 1 minus R raised to the power N. Declining balance at the end of its service life, N becomes L, so P into 1 minus R raised to the power L, and this is called salvage value. So this is beautiful way to remember expression for depreciation on the basis of declining balance method. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के द्वारा जो है ना, आपको जो है ना ये चीज याद करना बड़ा आसान रहेगा. बहुत ब्यूटीफुल वे है, वो उलझा हुआ है. यहीं से जो है ना रेट ऑफ डिप्रेसिएशन भी कैलकुलेट होके आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, वी आर चार्जिंग कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिप्रेसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस विच इज रिड्यूसिंग एवरी ईयर. सो एनुअल डिप्रेसिएशन इज रिड्यूसिंग इन दिस मेथड. But in case of a straight line method, annual depreciation remains constant. लेकिन थोड़ा सा हर साल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही है इसकी डिसएडवांटेज है. Then, देख लीजिए, वही सेम प्रॉब्लम को हमने लेके आया. 20,000 मोल्डबल प्लाउ का ओपनिंग प्राइस था, फर्स्ट ईयर का प्राइस था, एंड रेट ऑफ डिप्रेसिएशन कैलकुलेट हमने ऐसे किया, 1 माइनस एस अपॉन पी रेस्ट टू पावर 1 अपॉन एल. दिस इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ
declining balance method. Okay, so we charge this rate of depreciation on this value. So it comes 4844. Declining balance or reducing balance at the end of first year. This minus this. This is the cost of machinery after 1 year utilization. एक साल यूज के बाद ये हुई कॉस्ट मशीनरी की. इसी को बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज सेकेंड ईयर के लिए. ये ओपनिंग वैल्यू हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया. वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस वैल्यू विथ सेम रेट. This is a difference. So it comes less value. After reducing this depreciation, this is the declining balance at the end of second year. And this is opening balance at the start of first year. We charge this rate of depreciation. It comes this. ऐसे. और जो ना सर्विस लाइफ 5 years की है लगभग इतना है 5000 के बराबर, उसमें भी देखी होगी. एडवांटेज देखो क्या है, डेप्रेशिएशन ईयरली डेप्रेशिएशन इज रिड्यूसिंग एट द एंड ऑफ फॉर फर्स्ट ईयर दिस इज 4844, फॉर द सेकेंड ईयर दिस इज 3671, फॉर द थर्ड ईयर इट इज 2782. सो एनुअल डेप्रेशिएशन इज रिड्यूसिंग एंड गाइस वी कैन रियलाइज its advantages. As we know, repair cost increases as time passes. In this method, depreciation cost is also reducing. We charge depreciation in decreasing mode. यानी कि हम थोड़ा सा ही जैसे जैसे old हो रहा है तो depreciation हम थोड़ा charge कर रहे हैं. Early time में ही हम ज्यादा पैसा निकाल ले रहे हैं. वहां 3000 निकाल रहे थे, यहाँ पर देखो 4844 रुपया शुरुआत में निकाल रहे हैं. वहां 3000 का निकाल रहे थे, यहाँ पर ज्यादा पहले निकाल रहे हैं. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जब ज्यादा होगी तो हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट मशीन जो हमारी लागत है वो हम कम चार्ज कर रहे हैं. तो ऑलमोस्ट डिप्रिसिएशन प्लस रिपेयर ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा ज्यादा, और इस प्रकार जो है हमारा जो प्रॉफिट होगा वो फ्लक्चुएटिंग टाइप का नहीं होगा. So guys, we have completed 2 methods to calculate depreciation. Okay, in the next live session we'll complete SYD, sum of year digit method, and we'll solve all previous year problems. That will be the end, and then we start moldable plow, disc plow. Okay. मैकेनिक्स ऑफ टिलेज. तो फिर यहीं पर जो है ना हमारे तरफ से एंड होता है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे पता है.